जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टेट एग्जाम। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में स्पार्क बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आए हैं। इससे पहले का सेट दोस्तों 1 से 13 तक आप नहीं देखे हैं तो सेट को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। इस सेट में दोस्तों 53 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो दरोगा में जो है पूछे जाने की इसमें से संभावनाएँ होती है। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज की हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि राष्ट्र संघ की प्रसंविधा के आरेखन के बाद या किसे कहा था कि ए लिविंग थिंग इज द वॉर। तो इसे कहने वाले वुड्रो विल्सन हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कैसी थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो यह राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन था। तो यह था ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां तो जो था जो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ किया था। यह जो है राजस्थान जो है राज्य है सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था। तो ताजमहल जो है यह बनवाया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल जो है शाहजहां ने जो अपनी बीवी के लिए बनवाया था मुमताज महल के लिए। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो चुनाव आयोग को जो अनुच्छेद 324 के तहत जो स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता के अध्यक्षता में जो है पंचायती राज जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्ति किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने देश जो है UNA जनरल असेंबली का सदस्य है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 193 देश जो है UNA जनरल असेंबली का सदस्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप जो है यह महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की थी। तो यह हो जाएगा सहकारिता आयोग समिति जो है यह केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की थी। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है प्राणी नामपति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था 1895 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है यह दक्षिण अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है। तो भारत की कुल जनसंख्या का जो है कृषि में कितना परसेंट है तो 60% लोग जो है कृषि में नियुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है। तो जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल के ऊपर जो है ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर आपको होता है 10^-6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है तो आम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो लघु ज्वार भाटा क्या होते हैं तो यह दुर्बल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। तो सहारा जो है यह अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन है? तो यह हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो भारत माता जो है नामक पेंटिंग चित्रकार के जो है अरविंद नाथ टैगोर ने किया था, अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो पेंटिंग चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1487 ईस्वी में किसने जो केप ऑफ गुड होप की खोज किया था? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोमियस डियाज के द्वारा जो है केप ऑफ गुड होप की जो है खोज किया गया था। 1487-86 दिया जाता है, यहाँ पे 87 दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो यह जवाब क्या हो जाएगा? भारत। भारत जो था एशियन गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिलन काल है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो शीतलन काल का जो है जनवरी से जून तक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज की दर और उपभोक्ता के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना किया था? तो सबसे पहले कल्पना किया था ऑप्शन नंबर सी, इरविंग फिशर जो है ब्याज और दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले कल्पना किया था इरविंग फिशर ने। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्था को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो है यह 1992 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्थ अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो कीर्थ अर्थव्यवस्था में जो है उत्कर्ष अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर वृद्धि जो है प्रारंभ होती है उत्कर्ष अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस हम लोग कब मनाया जाता है? तो हम लोग मानव अधिकार दिवस जो है हर एक वर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन युग्म गलत है? तो स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा बर्न है। जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, डेनमार्क की कोपन है, फिनलैंड की हेलसिंकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा फ्रेंच ओपन के जो है ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से जो है रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टनीर पर आधारित है? तो यह आपका हो जाएगा चारुलता, ऑप्शन नंबर बी। चारुलता जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी है नष्टनीर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्य रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गॉर्डनर जो है यह आर के नारायण द्वारा नहीं लिखा गया। जबकि मालगुडी स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड जो है यह आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संघ राज क्षेत्र पुदुचेरी किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो यह जो है आपका कर्नाटक के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक बितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है बितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने किया था? तो यह प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है? तो यह हो जाएगा आपका विदेशों से अर्जित आय का अंश। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो यह जो उद्योग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है भारत का उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह हो जाता है राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में जो है किसी सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो यह जो है आपका राजनीतिक, मत देने का अधिकार जो है यह एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मत, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, तो राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है, तो आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक याद रखिए कौन वंश के बाद कौन से वंश आए, इसका ट्रिक है दोस्तों ह सी न मा सु क स हसीना मासु कस, यानी कि हास्यहार्यक, उसके बाद शिशुनाग, फिर उसके बाद न से नंदवंश, फिर म से मौर्यवंश, उसके बाद सुंगवंश, उसके बाद कनवंश, उसके बाद सतवाहन वंश, उसके बाद आया था चेदीवंश, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो यह जो है आपको 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था? तो यह लिखा था आपको बाबर और जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो यह आपको हो जाएगा पंजाब को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज अपहरण नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन तीन धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्हों मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो वह युद्ध किया था चीन ने, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अन्नाई मुड्डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चट्टान को स्वशासन स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है? तो अपक्षयन कहलाता है, अपक्षयन कहलाता है किस चट्टान को स्वस्थानों पर तोड़ देना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है? तो यह प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है, तो एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन जो है यह एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण संश्लेषी वर्णक नहीं है, जबकि पर्णहरित, हाइकोबिलिन और कैरोटीडेनाइट ये एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन क्या हो जाएगा कैरेटीन, कैरेटीन जो है यह एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जो है यह जीवाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो परमाणुओं के बीच आबंधन बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा वैसी ही रहती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वह आपको 4°C पर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10^-6 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 10^9 मीटर को नैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0.3 मीटर की तरंगदैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह
300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, यह किस प्रकार की तरंग होगी? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह श्रव्य तरंग होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच समय क्या कहलाता है? तो इसका समय को हम लोग टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कम्युनिटी इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड द एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका गरुड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को जो है आमतौर पर जो है धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर रहता तो खाने वाला सोडा का नाम है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, द्विपद। वर्गीकरण का जो कैरोलस लीनियस प्रणाली है वह द्विपद का उदाहरण, द्विपद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति पास दो गोलक है ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्तर पर फेंकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीमीय सूत्र में ML-1 T^-2 निम्नलिखित कितने तदनुरूप है? तो किसके तदनुरूप है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्थता गुणांक के तदनुरूप है। अगला प्रश्न है कि किस सामग्री पदार्थ का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? तो उसे जो है LD-15 कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर जो है यह लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है कर्नेल खाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो आग को बुझाने में जो प्रयुक्त गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली क्या पूछा गया? अधातु पूछा गया है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु रहता तो पारा रहता, यहाँ पे अधातु पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन में है, तो नाइट्रोजन में होता है उच्च आबंधन वियोजन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यह एक प्रकार का द्विक्षारिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? तो यह प्रदान करता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी डिस्क परिचालन तंत्र DOS कमांड है? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, यानी कि लिस्ट जो है यह डिस्क परिचालन तंत्र है। पशु महामारी रोग होता है किसके कारण? तो यह जो है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा होता है? तो यह आपका हो जाएगा सेंटेलम जो है मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रुधानु कौन सा है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक केंद्रानु मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेंटेलम जो है यह मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो आपका एक केंद्रानु मोनोसाइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ने पर जो है क्या घटित होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार, श्रमिक मांग वक्रदायी और स्थानांतरित हो जाता है। श्रमिक मांग जो है वक्रदायी और स्थानांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खदान और अन्य खाद्य उत्पादक जो है उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आपका कथन एक दिया गया है कि अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार मजदूरी से कम पर कार्य करेंगे, यह गलत है। बी दिया गया है कि न्यूनतम स्वीकार मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है, ये भी आपका गलत दिया गया है। सी कहता है कि आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच अंतर होता है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है, तो यह कमी हो जाता है आपका राइट आंसर, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है, तो यह जो है आर्थिक समस्या नहीं है, तो यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों से किसी तरीके से व्यतीत कर किया जाए, यह जो है आर्थिक समस्या नहीं है, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सा होता है, तो हो जाएगा आपका मीथेन। कच्छ के स्थानों में वनस्पति के अपघटन से उत्पन्न गैस होता है मीथेन गैस होता है। अगला प्रश्न है कि कैटस के शूल किसका रूपांतरण होता है, तो कैटस के शूल जो होता है पत्ते का रूपांतरण होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा जो है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष जो है किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन और परावर्तन, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है, तो विश्व की कुल भूमि का 7% जो है उस क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है, 7%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है, तो अनुवांशिक लाइब्रेरी है जैव विविधता, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण होता है गोमांस जो है यह भोजन उत्पादन की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है यह आपका लिखा गया श्री अरविंद घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो 26 बार जो है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले वॉल्ट डिज्नी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किसके कारण घट जाता है, तो यह होता है न्यून वायुमंडलीय दाब के कारण जो है जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका हाइपो का रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपिस शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है, आप लोग इसका दोस्तों बताइएगा कि स्टेपिस शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह जो है मध्य एशिया में स्टेपिस शब्द है, मध्य एशिया से संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या है, घास का स्थल है या उष्णकटिबंधीय वन है या सवाना है या शंकु वृक्षी वन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, तो रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास द्वारा लिखा गया था अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, तो कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल पुस्तक लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया है, तो हमारे संविधान में जो है
निदेशक सिद्धांत जो है लिया गया आपको कानून अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको अकेली संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन जो तो किया जाता है अकेली संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आज का अंतिम प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प से साथ जुड़ा हुआ है, तो यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो था राज हड़प नीति लाया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।